राम राम जी, मैं पूजा चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज आई हुई हूँ मैं ऋषिकेश। ये तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा, मुझ पीछे की लोकेशन देख के कुछ आइडिया लग ही रहा होगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ बाबा के बारे में, शंकर बाबा के बारे में। आप कहेंगे इतने दिन बाद, पर एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी गाय एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से मैं उस टाइम बात नहीं कर पाई। चाह के भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी गाय की बहुत तबीयत खराब थी और फिर वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा मन नहीं किया कि कुछ करूँ मैं, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ और उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, अपने मतलब मन की बात में रखना चाहती हूँ। आप तो जानते ही होंगे शंकर बाबा को। उन्होंने क्या काम किया, 80,000 की परमिशन लेके और उसके बाद 1,50,000 जने अपने पंडाल में बुला लिए। और उसके बाद जब जो है बाबा जी आए, उनके पैर छूने के लिए जनता भागती है और फिर वो कुचली जाती है और हजारों लोग उसमें मर जाते हैं। बाबा जी के पैर छूने के लिए, पैर की मिट्टी लेने के लिए और अपने घर ले जाने के लिए वो भीड़ भागी थी। पर इतना हम लोगों को भी वो नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ समझ में ही ना आए कि इतने जनों की भीड़ में हम उनके पैरों की धूल लेने भाग रहे हैं, कहीं कोई हादसा हो जाए कुछ। अब ऐसा ही वहाँ हुआ कि लोग भागे और फिर हादसा हो गया। उस हादसे का मुझे बहुत अफसोस है, पर कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी तो है कि हम ऐसे बाबाओं पर विश्वास करते हैं बिन जाने बिन सोचे कि वो क्या है। अब आप एक बार बताइए वो क्या थे। वो एक पुलिस में कांस्टेबल थे जो कि सस्पेंड कर दिए गए थे, उसके बाद वो बाबा बने हैं। बाबा बन के उन्होंने हम ही लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति में कब्जा किया। और अब खुलने में बात ये आ रहा है कि वो कम उम्र की लड़कियों को भी बुलाते थे और पता नहीं कितने आश्रम उन्होंने कब्जा करके बनाए हैं। इसमें कुछ गलती सरकार की भी है। जब वो कब्जा कर रही है तो क्या हादसा होने का इंतजार करना चाहिए? ये पहले ही पकड़ लेना नहीं चाहिए था उन्हें। पर पता नहीं क्यों लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं, जो कि ये नहीं देखते कि कहाँ से इनके पास इतनी संपत्ति आ रही है, कहाँ से ये इतना नाम हो रहा है। अरे वो भगवान थोड़ी ना है जो तुम लोग उनके पैरों की धूल लेने भाग रहे हो। क्या था, नाजायज कब्जा किया हुआ, नाजायज लड़कियों का व्यापार? आप बताइए कहाँ तक सही है। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। प्लीज यार, ऐसी जगह ना जाए करो जहाँ की ऐसे हादसे हो जाएं और हादसे होने की संभावना हो। जहाँ इतनी भीड़ होगी वहाँ कुछ भी हो सकता है और हम ही लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। वरना ये बाबा क्या चीज है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। अगर बाबा ठीक होते तो उन्हें फरार होने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना वही जो है पुलिस का सहयोग करते, क्यों फरार हुए वो? फरार होने का मतलब ही है कि वो गलत काम कर रहे थे, अब उनकी पोल खुलनी थी तो वो फरार हो गए। उसके बाद उन्हें वकील मिलते हैं, वकील भी ऐसे मिलते हैं जो कि नहले पे ढहला। वो हर गलत का साथ देते हैं, सही का साथ तो वो कभी दे ही नहीं सकते। जैसे निर्भया केस कितना डरावना केस था, उसमें उन्होंने उन लोगों का सहयोग किया जो दोषी थे। बताओ, जिसका केस लड़ने को कोई तैयार नहीं था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि इन्होंने क्रूरता की है, हम इन लोगों का केस नहीं लड़ेंगे। एपी सिंह साहब ने वहां आके उनका केस लड़ा, चलिए कोई बात नहीं, वहां भी उन्हें फांसी हो गई। उसके बाद आती है सीमा हैदर। सीमा हैदर का हमें ये नहीं पता कि वो एजेंट है, कौन है, क्या करने वो आई है। अरे यहाँ भारत की आबादी में क्या सचिन को कोई लड़की नहीं मिली? केवल पाकिस्तान की लड़की मिली, चलिए वो भी छोड़िए। अब एपी सिंह साहब उतरते हैं इन वकील साहब के, इन बाबा के साथ वकील साहब उतरते हैं। उतर तो जाते हैं पर मुझे ऐसा लगता है इन वकील साहब को कोई केस नहीं देता, केवल वो ऐसे हाईलाइट केस मतलब कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जिससे वो हाईलाइट हो, मीडिया वाले उनके इंटरव्यू ले मीडिया में। अरे तुम्हें मीडिया में आने का शौक है और सोशल नेटवर्क में आने का शौक है तो तुम आके और सीधे मतलब अच्छों का साथ दो ना, तुम गलत का साथ ही क्यों देते हो?
अभी ये आश्रम में पहुंच गए आधी रात में, तुम क्या करने पहुंचे आश्रम में आधी रात में, क्या काम था तुम्हारा? वहां मीडिया को बुला लिया, वहां उनकी भी नींद हराम अपनी भी नींद हराम। पर चलिए ये तो सही है ना, सही किया उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि शायद वो कोई सबूत लेने गए हुए थे, मीडिया ने पीछे से पकड़ा, पुलिस भी थी। अब वकील साहब तो नैले पे धैला मिले हुए हैं उन्हें। अगर उनसे पूछा जाए कहाँ हैं बाबा जी, तो वो कहते हैं बाबा जी फरार नहीं हुए हैं, बाबा जी यहीं हैं, बाबा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे तो जनता उन्हें मारेगी। ऐसा क्या किया है बाबा जी ने जो जनता उन्हें मारेगी? ऐसा क्या किया है? जब वो गलत नहीं है तो क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों नहीं ला रहे तुम उन्हें सामने? क्योंकि उन्होंने गलती की है, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे। क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पिटाई भी हो सकती। आजकल वकील साहब को नया शौक चढ़ा है कि मीडिया वालों को डांट डपट करने का। सीमा हैदर के मामले में भी डांटा, अब इसके मामले में भी डांट रहे हैं। पर डांट लगाने से सच्चाई तो खत्म नहीं हो जाती वकील साहब जी। तो मैं तो इतना कहूंगी, इन बाबाओं के चक्कर में आप ना पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो। आपको यकीन नहीं आएगा, 2007 की मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं वहाँ जॉब करती थी हरिद्वार में। तो वहाँ उस टाइम पे उनका पंडाल लगा हुआ था, सत्संग का ही वो कार्यक्रम चल रहा था उनका। और जब वो उस मतलब सत्संग खत्म होने के बाद जब वो निकले हैं ना, तो सड़क के दोनों ओर आदमी औरतें लेट गए थे, जनता ऐसी पागल हो रही थी, हाथ जोड़ के लेट रही थी। और वो गाड़ी में बैठ के साफ गए, उन्होंने एक बार ये भी नहीं देखा कि मेरी जनता कहीं कुचली ना जाए या भगदड़ ना मच जाए, वो साफ गए थे। और उस दिन आसाराम बापू से मुझे नफरत हो गई थी, आप यकीन मानिए। तो मेरा कहना केवल इतना ही है, आप इन बाबाओं का साथ ना दें प्लीज करके, अंधविश्वास ना करें। ठीक है होते होंगे तो उन पे ध्यान दें, पर ऐसे बाबाओं पे तो नहीं। और इस चीज़ का मुझे अफसोस भी है जो हादसा हुआ है, तो इस चीज़ का मैं तहे दिल से अफसोस करती हूँ। तो चलिए फिर अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।